यहां खड़ी क्या सोच रही हूं? कुछ नहीं अभी, ऐसे बस दिल अजीब सा हो रहा है, किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। शायद आज मौसम भी उदास है। सर सच बताओ, सब ठीक तो है ना? मगर तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लगता, कोई तो बात है ना? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, शायद सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें इफ्रा की याद आ रही है? देखो अतिया, मैं तो कहती हूँ कि तुम जाकर इफ्रा को वापस ले आओ, इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, वरना उसे याद कर करके खुदा ना खास्ता तुम ज्यादा बीमार पड़ जाओगी। नहीं, मेरी बीमारी से बढ़कर इफ्रा की हिफाजत ज्यादा जरूरी है। आप भी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उमेर को समझाऊंगी, वो आइंदा इफ्रा को बिल्कुल तंग नहीं करेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं उमेर, आप तो क्या किसी की भी बात नहीं सुनेगा, वो अपनी जिद और गुस्से में कुछ भी कर सकता है, और मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहती। तो तुम क्या समझ रही हो, इफ्रा वहां पर तुम्हारे बगैर बहुत खुश है, उसे तो नींद भी नहीं आती होगी, हर वक्त तुम्हें याद करती होगी, आखिर बेटी है तुम्हारी। बेटी है, इसीलिए तो दिल पे पत्थर रखकर ये सब कुछ कर रही हूं। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा आप भी? आज जिंदा हूं, कल ना रहूं। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूं कि इफ्रा को वापस ले आओ। कहीं ये बात करने के लिए उमेर ने तो आपको नहीं भेजा? अतिया, तुम मेरी बहन हो और तुम्हें मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अगर उमेर मुझे कहता भी ना, तब भी ये बात करने मैं तुम्हारे पास नहीं आती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि उमेर उफ्रा को भूल जाए, कम से कम मेरी तो इस टेंशन से जान छूटे। उमेर के लिए यही बेहतर होगा कि वो इफ्रा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। इस घर में इंसानों की नहीं बल्कि चीजों की कदर है। काश मैं तुम्हें खुद से कभी जुदा ना करती, तुम हमेशा मेरे पास रहती। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं रहूंगी। आंटी को बहुत गुस्सा आता है, उन्होंने मुझे मार। कहो बेटा। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ये सारी तकलीफें वक्ती हैं, तुम देख लेना, तुम उस घर में अपनी जगह बना लोगी। नहीं बना सकती मैं इस घर में कोई जगह, ना ही तो इस घर में मेरी कोई जगह, ना इनके दिलों में। आप क्यों नहीं समझती अम्मी? सब ठीक हो जाएगा इफ्रा, आखिर इन लोगों से तुम्हारा खून का रिश्ता है। मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। अम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा बहुत दिल घबराता है, प्लीज। नया घर है, नई जगह है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें इन लोगों की आदत पड़ जाएगी। अम्मी, अम्मी आपने तो मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आपको याद है, एक वक्त था कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, और आज आज आपने मुझे इतना तना कर दिया, मुझे अपने से दूर कर दिया। क्या हुआ मैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोले अम्मी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए जहर पी रही हूं मैं। अगर तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी तो क्या होगा फिर?
इस तरह नहीं रोते। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, अभी तो तुम्हें बहुत हिम्मत करनी है, अपने हक के लिए खड़े होना है। इस तरह हिम्मत नहीं हारते। मैं बहादुर नहीं है, मुझ में कोई हिम्मत कैसे समझाऊं आपको अम्मी, कैसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम तो मेरा मान हो। अच्छा बेटा, रात काफी हो गई है, अब चुप हो जाओ और सो जाओ। अम्मी, अम्मी मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, अम्मी मैं नहीं सो सकती। बेटा मैं दुआ बनकर हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, सो जाओ। कौन है? अच्छा, आप नाश्ते में कुछ खाएंगी? मुझे भूख नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं, आपको तो तेज बुखार है। मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। नहीं, किसी को मत बुलाना, मैं ठीक हूँ। तुम किसी को कुछ मत बताना, जिंदा हूँ ना यही काफी है। तुम जाओ, दरवाजा बंद कर दो। खाला, मुझे आपसे बात करनी है। बात अगर इफ्रा के बारे में है तो बेहतर है कि तुम मत करो। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं खाला मेरे साथ। आपको इफ्रा को कहीं और नहीं भेजना चाहिए था। मैं मां हूं उसकी, उसका अच्छा बुरा अच्छे तरीके से जानती हूं। आप कुछ नहीं जानती, जमाना बहुत खराब हो चुका है। अगर कुछ हो गया तो तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? होने वाला शौहर जो हूं ना, तुम्हारा उससे रिश्ता खत्म हो चुका है। और अच्छा ही है कि वो यहां से चली गई है, कम से कम महफूज तो है। आपको क्या लगता है ये आपने इफ्रा को जहां भेजा है वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता? खाला, अभी भी वक्त है, आप समझ जाए और इफ्रा को वापस ले आए, इसी में आपकी भलाई है। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और आपको और इफ्रा को माफ कर दूंगा। वरना वरना तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, मैं तो बस समझा रहा हूं। रिश्ते में खाला जो है आप मेरी, और ऐसी जबान में बात करता आपसे कि आप सोच भी नहीं सकते थे। रिश्ते का लिहाज करूं खाला मैं? रिश्ते का लिहाज, रिश्ते का तकद्दस क्या होता है जानते भी हो तुम? काश तुम जानते हो, लेकिन अफसोस ये सब कुछ तुम सिर्फ अपनी जिद और अना की खातिर कर रहे हो, है ना? खाला आप समझ नहीं रहे, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी आप
और आपकी बेटी इफ्रा। जाओ यहां से, और जो तुम्हारे जी में आता है करके देख लो। हाला इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है आपकी सेहत के, वो भी इस उम्र में। अगर आपको कुछ हो गया तो आप अपनी बेटी को दुल्हन बनते कैसे देखेंगे? और वैसे भी अपने होने वाले दामाद पर कोई इतना गुस्सा करता है? खाला इफ्रा, ये क्या तुमने खाना ही खाया? सब ऐसे का वैसे ही रखा। अम्मी मैं नहीं खा रही, मैंने दिल नहीं कर रहा। हाँ तुम्हें बुखार है ना, इसमें तो मुंह का जायका भी बदल जाता है। लेकिन बेटा खाओगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? भाई अम्मी मैंने क्या देना, मैंने दिल नहीं चाह रहा बस। अच्छा चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। अपनी माँ के हाथ से तो खाओगी ना? अरे तुम्हारा बुखार तो काफी कम हो गया है। जी आपने सारी रात मेरी पट्टियां की, मैंने अभी कह रही थी कि मत करें। अम्मी आपकी खुद की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। मैं ठीक, मेरी फिक्र मत किया करो, खाओ। भाई बस मैं नहीं खा रही अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए छोले की चाट बना देती हूँ, तुम्हें अच्छी लगती है ना? ठीक है, इस बहाने कुछ खा भी लो। मैं सोच रही हूँ इस लड़की को एनजीओ के हवाले कर दूँ। आप क्यों इस चीज को इतना सर पे सवार कर रहे हैं? वो मेरे घर में रह रही है, हर वक्त मुझे धड़का लगा रहता है कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरी सौतन की बेटी है, और तुम कह रहे हो कि मैंने सर पे क्यों सवार किया हुआ है उसे। तो आप एनजीओ वालों को क्या कहेंगे, कौन है ये लड़की? कह दूंगी कुछ भी, किसी मुलाजिम की बेटी है, अब इसका दुनिया में कोई नहीं है। आप कह देंगी और दुनिया वाले मान लेंगे? जरा सोचिए, अगर इफ्रा ने बाहर जाके एक लफ्ज भी कह दिया तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा है आपको? तो क्या करूं, इसको कितनी देर यहां बर्दाश्त करती रहूं? जब तक वो लड़की इस घर में, ये बात घर तक न गई। बाकी चीजें आप मुझको छोड़ दो, आई हैंडल दिस। मुझे तो सिर्फ इलेक्शंस की फिक्र है। तो मामा मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट ऑन द इलेक्शंस, दैट्स इट। आप फिक्र नहीं करें, मैं संभाल लूंगा, बिलीव ऑन मी। वो जी जल्दी चलिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। कौन, क्या हुआ? वो जी इफ्रा बीबी, उनकी तबीयत बहुत खराब है ना, उनसे उठा जा रहा है ना बोला जा रहा है बिल्कुल भी। चलो बैठे बैठे अभी ये क्या मुसीबत पड़ गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके बेटे को हो क्या गया है, दिमाग खराब हो चुका है, कोई बात समझने को तैयार नहीं है। अरे वो मर्द का बच्चा है इफ्रा, उसकी गैरत बन चुकी है, तुम देखना वो इफ्रा को हासिल करके ही दम लेगा। आपकी इन्हीं बातों की वजह से वो बिगड़ा है, ये ना कि आप उसे समझाएं, उसकी हिमायत करें, अब तो हद हो गई है, अपनी खाला से भी उलझने लगा है। हाँ ठीक तो किया उसने, सारा कसूर ही तुम्हारी बहन का है,
पहले भी उसने कभी हमारी बात नहीं मानी। कितना कहा था उससे कि वकील साहब से कुछ जायदाद अपने नाम करा ले, मगर नहीं, वकील साहब तो मर गए, उनका बोझ सारी जिंदगी हमें उठाना पड़ा। ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते कि वकील साहब को इफ्रा के बारे में मालूम ही नहीं था। अगर उन्हें पहले से मालूम होता तो वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ करके जाते। तो इसीलिए तो कहते हैं जब वक्त हाथ में हो तो उससे पूरा फायदा उठा लो, बाद में तो इंसान सिर्फ हाथ मलता रह जाता। अरे तुम अतिया को समझाओ, उसे मनाओ कि वो इफ्रा को यहाँ ले आए। कितनी बार समझाया है मैंने अतिया को, उसे कायल करने की कोशिश की है, मगर वो किसी तरह भी राजी होने पे तैयार नहीं। उमेर के साथ रिश्ते पर भी मैंने उसे इतनी मुश्किल से राजी किया था। देखो उमेर और इफ्रा की शादी हो जाए ना, ये हम सब के लिए अच्छा है। इफ्रा इफ्रा इफ्रा, मेरी समझ में नहीं आता कि इफ्रा में ऐसे कौन से सिरखाब के पड़ लगे हैं। दुनिया में और भी हजारों लड़कियां मौजूद हैं, मैं उमेर के लिए और लड़की देख लूंगी। खुदा के वास्ते आप और उमेर इफ्रा को अब भूल जाएं। बेवकूफ औरत, हजारों लड़कियों के बाप इतनी जायदाद छोड़कर नहीं गए जितनी वकील साहब इफ्रा के लिए छोड़कर गए। बस एक बार इफ्रा यहाँ आ जाए ना तो हम कानूनी तौर पर उस जायदाद पर क्लेम कर सकते हैं, हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम्हें ही अतिया को मनाना होगा, चाहे इसके लिए तुम जो झूठ बोलो अतिया से, सब जायज है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं सुबह से ही परेशान हो रही थी, सोच रही थी कि तुमने फोन क्यों नहीं किया। मुझे बहुत तेज बुखार है, मगर आप मेरे पास नहीं है। अभी आपको याद है जब भी मैं बीमार होती थी तो आप कितना परेशान हो जाती थी, मगर आज आप नहीं है। बस मेरी बच्ची चुप हो जाओ। अब कैसी तबीयत है, बुखार कम हुआ, डॉक्टर को दिखाया तुमने? ठीक हूँ मैं। आप दवा ली तुमने? मुझे पता है नहीं ली होगी, तुम बहुत चोर हो दवा लेने में। जी मैंने मेडिसिन नहीं खाई और ना ही मैं खाऊंगी। ऐसा मत कहो बेटा, दवा नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी, और बीमार पड़ जाओगी। तो पढ़ने देना बीमार, नहीं ठीक होना मुझे, अल्लाह करे मैं मर जाऊं, वही सबके लिए बेहतर होगा। अल्लाह ना करे, क्यों खुद को बद्दुआएं दे रही हो? तुम चाहती हो कि मैं और परेशान हो जाऊं? नहीं करो बेटा, दवा खा लो। क्या हुआ इफ्रा, खामोश क्यों हो गई हो? दवा खाओगी ना, मानोगी ना मेरी बात? ठीक है, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं दवाई खाऊंगी, वरना नहीं। कहो, मानूंगी। आप मुझसे कल मिलने के लिए आएंगे? ये क्या कह रही हो इफ्रा? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि उन लोगों को मेरा वहां आना पसंद नहीं है। तुमसे फोन पे बात तो कर लेती हूँ ना मैं। अम्मी मुझे आपसे मिलना है, अगर आप आएंगी ना तो मैं दवाई खाऊंगी, वरना नहीं। अब आपकी मर्जी। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। गलत बात है ये, तुम हमेशा उल्टी बातों पे जिद करती हो मेरे साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है उफ्रा,
क्यों इस तरह रो रही हो? तुम्हें कितनी दफा कहा इस तरह मत रोया करो, मैं परेशान हो जाती हूँ। अम्मी मुझे आ नहीं रहा ना, अम्मी मुझे आपके साथ घर जाना है। अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें इन्हीं लोगों के साथ रहना है। नहीं अम्मी, ना ही तो ये घर मेरा और ना ही इस घर में रहने वाले लोग। मेरे लिए मेरा घर वो है जिसमें आप मेरे साथ हो। अम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले जाए प्लीज। मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसीलिए मैं नहीं आ रही थी तुमसे मिलने। मैं पागल भेड़िए की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ। इजाज भाई मुझ पे दबाव डाल रहे हैं, अगर तुम वहां चली गई तो तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता, शायद मैं भी नहीं। मेरे यहां दम घुटता, यहां एक एक पल मेरे लिए हैसियतनाक है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, अभी तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं। मुझे तो लगता है जैसे कि सत्या गुजर गई। उफ्रा, तुम्हें यहां छोड़ने का फैसला गलत नहीं है मेरा, तुम यहां महफूज हो। उमेर, इजाज भाई यहां कोई नहीं आ सकता, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे नहीं ले जा सकते, मगर अम्मी आप तो रुक सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ लेकिन मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे बगैर रह सकती? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? आप यहाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिद कर रही थी इसलिए मिलने चली। हमने इसको डॉक्टर को दिखा दिया था, अब इसकी तबीयत ठीक है जी। आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि आप यहां मत आए। बेटी है, बस इसको मिलने चली आई, अगर ना आती तो मेरा भी दिल परेशान होता। तो फिर ऐसा करें इसको अपने साथ ले जाएं। नहीं नहीं, यही रहेगी, बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी। आप जा सकते हो। नादिया, नादिया, इन्हें अपने रूम में ले जाओ। आपने ये गुड न्यूज भाई को नहीं दी? कैसी गुड न्यूज? मैं तो सुनती नताशा ने तुम्हें बता दिया होगा, रोज तो तुम्हारी बात होती है उससे। नहीं मामा, वो भी बिजी और मैं भी बिजी, बात ही नहीं हो पाती। वैसे न्यूज क्या है? अमरीन आंटी और नताशा आ रही हैं। रियली? नताशा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हो। मामा मैं तो कहता हूँ भाई और नताशा की शादी कर दें, दोनों की एंगेजमेंट को बहुत साल हो गए, अब तो शादी बनती है। हाँ मैं आपा से खुद बात करूंगी, मुझे तो लग रहा है कि वो शादी की बात ही करने आ रही है। इस बार तो डेट फिक्स करनी चाहिए। अच्छा है ना, नताशा घर पे आ जाएगी तो घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और आपका मूड भी। सुनो, वो मैंने इफ्रा के बारे में तो सोचा ही नहीं, मैं आपा को क्या कहूंगी, कौन है वो? अम्मा कुछ भी कह दीजिएगा, वैसे भी आंटी थोड़े दिन ही तो यहाँ रहेंगी। तुम क्या आपा को बेवकूफ समझते हो? मैं कुछ भी कह दूंगी और वो यकीन कर लेंगी। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? उस लड़की को मना कर देंगे कि आंटी के सामने आई ना, और जब वो आएगी नहीं तो फिर टेंशन कैसे? ऐसन ठीक ही तो कह रहा है, वैसे भी वो कितनी सहमी सी रहती है,
जो आप कहेंगी वो मानेगी। कभी उसने हमारी बात से इनकार किया है क्या? मैं खुद उससे बात कर लूंगा, डोंट यू वरी। तुम नहीं, मैं खुद बात करूंगी उससे ताकि हर बात ठीक से कर सको। वैसे वो लोग आ कब रहे हैं? फ्लाइट तो लैंड कर गई होगी, ड्राइवर गया पिक करना है। लोग आ जा रहे हैं। बैठी रहो, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? बैठो मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, यहीं स्टे करेंगे हमारे साथ। स्टे का मतलब समझती हो ना? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं है? यहाँ रुकेंगे। I can understand English. Good. बस यही समझाना था कि जब तक वो यहाँ है तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, समझी? जी। तुम्हारी पहचान मेरे लिए किसी गाली से कम नहीं है। काश आज सफदर जिंदा होते तो मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से सफदर का नाम हमेशा के लिए छीन लेती। तुमसे इतनी नफरत करने के बावजूद भी मैं तुम्हें अपने घर में रखने पर मजबूर हूं। मैं फिर से तुम्हें ये बात याद दिला दूं कि तुम किसी के सामने नहीं आओगे जब तक वो लोग यहां रुकेंगे। तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा हो। आप बेफिक्र रहें, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, समझ रही हो ना? अरे भाई, हम तो कब से आने का सोच रहे थे, लेकिन जब भी प्रोग्राम बनाते थे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था ना। लेकिन तुमने भी तो यूएस का चक्कर काफी अरसे से नहीं लगाया। क्या करती मैं, इलेक्शंस में इतनी बिजी थी। ओह आंटी, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आपने तो वैसे ही जीतना है। आपको कोई हरा सका है क्या कभी? देख ले मामा, अभी से ही आपको बटरिंग करना शुरू कर दी इसने। हाँ भाई, बाद में भी नताशा ने यही करना है तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। Shut up! क्यों तंग कर रहे हो इतनी प्यारी सी बच्ची को? तुम्हें मैंने कहा था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। अंदर जाओ, जाओ। जी। कौन थी ये लड़की? सरवत? सरवत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मुलाजमा थी। लेकिन मुलाजमा तो नहीं लग रही थी वो। जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सरवत, ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? वो मैं दानियाल का पता कर लूं, अभी तक आया नहीं।
इतनी बुरी हो यार, तुम आ रही थी और तुमने बताया नहीं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें बता देती तो सरप्राइज सरप्राइज तो नहीं रहता ना। हमेशा अपने बारे में सोचो, सेल्फिश। जो अपने बारे में नहीं सोचता ना, उसे कोई भी अहमियत नहीं देता। इंसान को खुद को सबसे अहम समझना चाहिए। ये कॉल किसका? आपके होने वाली वाइफ का। बिल्कुल अपनी आंटी पे गई है। अच्छा, अभी बताती हूँ मैं सर्वत आंटी को। मैंने ऐसा क्या कहा? तुम इस बात को पॉजिटिव भी ले सकती हो, लेकिन आपको तो हर बात नेगेटिव ही लेनी है। Anyways, how was your flight? Flight was amazing. पाकिस्तान का मौसम कितना अच्छा है ना। काश मुझे सफदर की जिंदगी में ये सब कुछ पता चल जाता तो मैं इन सब से निपट लेती, तलाक दिलवा देती इसे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारे दुश्मन की साजिश हो? पापा, उसके पास सब कुछ है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, निकाहनामा, सब कुछ। ओह, तो इसके आने पे तो बड़ा बावेला मचा होगा। मीडिया को तो एक स्कैंडल न्यूज मिल गई होगी। मुझे तो सोचकर टेंशन हो रही है कि तुमने ये सब मामला किस तरह हैंडल किए होंगे। अभी किसी को नहीं पता चला। क्या तुमने इतनी बड़ी न्यूज कैसे छुपाई सबसे? यही मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, इसलिए मैंने उस लड़की को अपने घर में रख लिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वरना घर से ये बात बाहर जाती तो लोग क्या कहते कि सफदर हुसैन ने एक लोअर मिडिल क्लास औरत को तुम्हारे बराबर ला खड़ा किया। वैसे अगर सफदर को शादी करनी थी तो अपने स्टेटस का तो ख्याल किया होता। ये मर्द जात भी नहीं, बेवफाई का दूसरा नाम है। क्या कुछ नहीं दिया तुमने उसको? बेटा की मां होते हुए तुम्हें उसने वो अहमियत नहीं दी जो तुम्हारा हक था। लोगों को पता चलता तो यही कहते कि जो औरत दूसरों के हक के लिए बात करती है वो अपना हक नहीं ले सकी। किस्मत में यही सब कुछ है, अब मरने वाले से क्या गिला करूं? क्या सोच रही हैं आप? यही कि जब ये बात मुझे पता चल सकती है तो दुनिया को भी पता चल सकती है। तुम्हारे चाहने और ना चाहने से क्या होता है? ऐसी बातें ज्यादा देर तक छुपती नहीं है। तुम बाहर क्यों आई थी? तुम्हें मैंने मना किया था कि किसी के सामने नहीं आना, तो फिर तुम बाहर क्यों आई? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। वो मेरे कमरे में छुप कर लिए आ गई थी। तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई थी जिस इलाके से तुम उठ के आई हो ना, वहां तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी ना, इसलिए मुझे डर नहीं लगता था। तुम्हारी माँ को अगर तुमसे इतनी मोहब्बत थी तो तुम्हें यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? वो अच्छी तरह से जानती हूं मैं यहां तुम क्यों आई हो। तुम्हारी माँ ये चाहती थी कि मैं तुम्हें देख देख कर 24 घंटे अजियत में रहूं, इसलिए उसने अपनी मुसीबत हमारे गले में डाल दी है। मजबूर थी। तुम्हारी माँ जैसी औरतें मजबूर नहीं होती बल्कि मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे उसने मेरे शौहर को शादी करने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्या क्या चक्कर चलाए थे उसने। मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। चुप करो तुम, अच्छी तरह से पहचानगी तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी। अम्मा क्या हो गया, आपकी आवाज नीचे तक आ रही है। दिमाग खराब हो गया मेरा, इस लड़की ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, जानबूझकर ये मुझे टॉर्चर करती है। क्या समझा हुआ तुमने मेरे घर को, जो अपनी मर्जी से यहाँ चहलकदमी करती फिर रही हो? ये मेरा घर है और यहाँ मेरा हुक्म चलता है, समझी तुम?
आप अभी तक सोई नहीं? जब से वो लड़की इस घर में आई मेरी रातों की नींदें उड़ गई। उस लड़की को आपने सर पे सवार कर लिया, क्या बिगाड़ा है उसने आपका? हर बात तो मारती है आपकी। वो इतनी मासूम नहीं है जितनी शक्ल से लगती है। आप बेफिक्र हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती। रहने दो तुम, देखा नहीं उसकी माँ कितनी चालाक औरत है, इतने सालों बाद भी अपना हक मांगने आ गई। क्या मतलब है आपका? उसकी माँ ने आपसे कोई डिमांड की है क्या? उसकी इतनी औकात कहाँ कि मुझसे डिमांड करे। तो फिर मसला क्या है मामा? मसला वो लड़की है जो अतिया हमारे सर पर छोड़कर चली गई है। आज अमीर और नताशा को पता चला है, कल खानदान वालों को इल्म होगा, फिर पूरी दुनिया को, सारी दुनिया मजाक उड़ाएगी हमारा। बातें सुनाई जाएंगी मुझे कि मुझे इल्म तक नहीं हुआ और मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। आपको लोगों की कब से फिक्र हो गया? इतनी कमजोर तो आप कभी भी नहीं थी। इंसान गैरों से तो लड़ लेता है, अपनों के दिए हुए जख्म आपको कमजोर कर देते हैं। आप स्ट्रॉन्ग बने मां, अभी तो आपको लोगों से जंग करनी है। इन माँ बेटी की बेबसी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, और ये बेबस लोग सिवाय खुदा के भरोसा करने के और कुछ नहीं कर सकते। ये बेजरर है, आप फिक्र नहीं करना।